हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? अगेन यू आर वेलकम इन आवर क्लास एंड आवर नेक्स्ट चैप्टर इज द ट्रिब्यूट. दिस इज अ ट्रिब्यूट ऑफ ए ब्रदर फ्रॉम फॉर ए ब्रदर. भाई का भाई के लिए ट्रिब्यूट. गॉट इट? अंडरस्टैंड? एक सच्ची श्रद्धांजलि बोल सकते अपन. इट इज द ट्रिब्यूट ऑफ ए ब्रदर फॉर ए ब्रदर. इज इट क्लियर? एंड व्हाट वी हैव डिस्कस यस्टरडे, दैट वाज अ चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड. एंड this was emancipation and I have given you the questions of this chapter and I did not get the answer, so I just telling you that you should submit me the answers. Is it clear? So in this chapter what we are going to discuss, it is also important ki ek bachcha who was getting education not only a village and also city and he becomes a, we can say, a successful person, but what happened with the person who make him this? वो जो भाई है उसके साथ क्या हुआ, उसके दूसरे भाई ने उसके साथ क्या किया. तो विच टाइप ऑफ ट्रिब्यूट ही वुड गिव टू हिज ब्रदर, दैट वी विल डिस्कस. बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर, लेट्स डिस्कस अबाउट द राइटर. दैस बेनूर जितेंद्र नारायण दास. ओके, वॉज बोर्न ऑन अगस्त 3, 1953 इन नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट ओडिशा. ओडिशा में उनका जन्म हुआ था. ही राइट्स अंडर द पेन नेम साइकोडम ऑफ डैश बेनूर एंड इज अ वेरी पॉपुलर नेम ऑन ओरियन लिटरेचर. उसका एक पेन नेम था डैश बेनूर और वो ओरियन लिटरेचर में बहुत फेमस था. हिज मेजर कंट्रीब्यूशन हैज बीन इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड लिटरेचर. सबसे ज़्यादा उसका जो कंट्रीब्यूशन था कौन सी फील्ड में था? चाइल्ड लिटरेचर, बच्चों का जो साहित्य होता है ना उसके बारे में. और फोक टेल्स एंड लीजेंडरी स्टोरीज, गाँव की कहानियाँ, जैसे अपन कहते हैं कि खुद की जो लोकल टेल्स होती हैं वो, और लीजेंडरी स्टोरीज. ही वॉज द विनर ऑफ ओडिशा साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर कनपेन अनुपम गीता इन 1987. ओके, तो वट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. That was the introduction of the writer, which I have told you. कि writer है वो ओडिशा से belong करता है. And now I'm going to tell you about the story. The tribute shows how the joint family system in India is crumbling. Yes, absolutely right. The joint family system in India के अंदर वो टूट रहा है. उसके आपस के जो behavior है वो खत्म हो रहे हैं. आपस का प्रेम भाईचारा, whatever we are watching in this system, that is completely destroyed. Babuli, if the main character in the story, what is the name of the person who is the main character in the story? It is Babuli. Feels emotionally shocked when he hears about a dispute in his family and the consequent partition. The character of the story, Babuli, emotionally shocked. He feels sad when he came to know there is a dispute in his big family. And where is Babuli living? He is living in a city. Understand? Babuli एक लड़का character जो बहुत ही emotional हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसकी family में विवाद हो गया. और वो विवाद किसके बारे में? बंटवारे के बारे में. And he also had a lot of respect for his elder brother. क्योंकि because of him, now he is got this position. बिकॉज ऑफ हिम, उसी दोस्त उसी भाई के कारण बाबुली को ये पोजिशन मिली है. अदरवाइज बाबुली वाज नथिंग. उस ब्रदर ने उसके लिए हार्ड वर्क किया, उसको कंधों पर बैठा कर वो ट्यूशन करवाता था, उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनवाना था, उसकी पढ़ाई उसने शुरू करवाई, अपनी घड़ी तक उसने वो गिरवी रख दी थी उसके लिए. बहुत से योगदान दिए थे उसने, उसके बड़े भाई ने उसके लिए. उन्हीं योगदान के बारे में हम पढ़ेंगे और कैसे वो बाबुली अपना कंट्रीब्यूशन कैसे लेता है. घर मकान जब बंटवारा होता है किस तरीके से वो अपने ब्रदर की हेल्प करता है या किस तरीके से वो अपने आप को इन्वॉल्व करता है इस स्टोरी के अंदर. इट दैट इज़ अ वेरी ग्रेटफुल एंड दैट इज ऑल्सो इमोशनल स्टोरी. सो वी आर गोइंग टू रीड दैट. एज आई यूज माई डेस्क इन ऑफिस माई आईज स्टॉप्ड ओवर ए लेटर. बाबुली वाज सेइंग कि व्हेन आई रीच्ड इन माई डेस्क इन माई ऑफिस आई केम टू सी अ लेटर. It contained the familiar petite handwriting of my elder brother. Tutti futti handwriting thi. That was the handwriting of his elder brother. Uski bade bhai ki handwriting thi.
आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड रिटर्न टू मी, बहुत ही दिनों के बाद, आफ्टर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम माई ब्रदर हैड रिटर्न टू मी, आई श्रैंक विद इन फॉर नॉट राइटिंग लेटर्स होम ऑल दीज डेज, और मैं बड़ा शर्मिंदगी या फिर हिचकिचाहट से फील कर रहा था, बिकॉज आई हैड नॉट रिटर्न एनी लेटर टू माई होम फॉर ऑल दीज डेज. सो हुज लेटर दैट वॉज, दैट वॉज अ लेटर रिटन बाई हिज एल्डर ब्रदर. कैसे पहचाना उसने, वो जो हैंड राइटिंग थी उस पर, और वो फील कर रहा था कि मैंने अभी तक मेरे घर वालों को लेटर नहीं लिखा. इन माई स्टूडेंट डेज इट वॉज ऑलमोस्ट ए रूटीन अफेयर. इन माई स्टूडेंट डेज, वेन आई वॉज ए स्टूडेंट, दैट वॉज अ रूटीन अफेयर. वट वॉज द रूटीन अफेयर? आई यूज टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज ऑन ए रिक्की बस. रिक्की मतलब था टूटी फूटी, लूजली बिल्ट. कह रहा कि जब मैं स्टूडेंट था तब मैं मेरे गाँव लौटता था इन ए रिक्की बस, कैरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ जर्नी. जर्नी के दर्द को मैं कभी फील नहीं करता था उस टाइम पे. मतलब मैं जाता था उसी टूटी फूटी बस में और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. माई होम माई विलेज, दे यूज टू पुल मी अवे फ्रॉम द मोरबिड सिटी लाइफ. मेरा घर, मेरा गांव, जो कि मुझे दूर करते थे, अवे फ्रॉम द मोरबिड मोरबंड सिटी लाइफ. मोरीबंड दैट इज ए कमिंग टू एन एंड, जो खत्म होने वाली जिंदगी होती है ना सिटी लाइफ, उससे मुझे दूर करते थे. कह रहा कि सिटी लाइफ से अच्छी विलेज लाइफ होती है. और कह रहा कि मैं जब स्टूडेंट था, जब मैं आता था, तो वो जो टूटी फूटी बस थी वो भी मेरे लिए बड़ी मस्त थी, और मैं उस सिटी लाइफ से दूर होने की कोशिश करता था. अब मैं मेरे घर आता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था. आई लव टू कम माई होम. नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एंड आई हैव टू हैव चेंज्ड, बट राइट नाउ आई एम नॉट ए स्टूडेंट एंड ऑल द थिंग्स हैव चेंज्ड एंड आई एम ऑल्सो चेंज्ड. ए ग्रेट डील एट दैट, ए ग्रेट डील एट दैट, ए लॉट ऑफ कोबेब्स हैव सेटल्ड अराउंड मी. मकड़ी के जाले, गॉट इट, स्पाइडर वेब्स. लॉट ऑफ कोवेब्स सेटल्ड अराउंड मी, मेरे सामने, मेरे चारों तरफ मकड़ी के जाले बिछ गए. मतलब मकड़ी के जाले से मतलब होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, फैमिली के प्रति, वाइफ के प्रति, जॉब के प्रति, इन सब चीज़ों में वो सब कुछ भूल गया. आई एम स्वेप्ट बाय द इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम एंड बिजनेस. समय की प्रतिबद्धता और बिजनेस से मैं पूरी तरह से बंध गया था. I was studying at Bhuvneswar, where I got my job, and now for these two years, I have thought of home not even once. I studied in Bhuvneswar, and in that same city, I got my job. And for these 2 years, I am working here since 2 years. I have thought of home not even once. मेरे दिमाग में ये भी नहीं आया कि मैं घर भी चला रहा हूँ. In these 2 years, when I got my job, my job has settled me in that way. My job has not given me any time to think about my home. For 2 years, I never ever think to go my home. Many a time, my mother has written letters complaining about my negligence in writing to her. Many a time, मेरी मदर ने मुझे लेटर्स लिखे और वो कंप्लेन कर रही है कि मेरे को वापस लेटर क्यों नहीं लिखे. She has even reminded me of those pre-marriage days of mine. Reminded. मेरी मदर ने मुझे वो दिन याद दिला दिए मेरी शादी से पहले के, ताकि मेरा बेटा है वो मुझसे बात करे. ये सब कौन कह रहा है? बाबूली कह रहा कि I was studying in Bhuvneswar and I also got job there. I was settled here. I married here. I was living in here with my wife. Going to my office. In these 2 years, I also forget about my village. I even did not notice that I should visit my village. And in this chain, my mother used to write me, and she also reminded me my pre-marriage days. शादी से पहले वाले दिनों के बारे में याद दिला रही और कह रही कि तुम मुझे भूल गई. You are not writing anything to me. Who is reminding him? His mother. And where the writer is settled now? In Bhuvneswar. एंड वहाँ पे उसने स्टडी भी की थी, और स्कूल डेज में वो इसी सिटी लाइफ से दूर होना चाहता था, और कहाँ जाना चाहता था? अपने घर, अपने भाई के पास. और इस सिटी लाइफ है, वो सिटी लाइफ जो है ये क्या है, इंसान का एंड कर देने वाली. लेकिन अभी वहीं पे सेटल हो गया, वहीं पे कमा रहा है.
Yet I have never been able to break those strand of complacency which have coiled around me. कह रहा कि मैं वो धागे वो रिलेशनशिप कभी नहीं तोड़ पाया विच कोल्ड अराउंड मी जो मेरे ऊपर थे. आई हैव केप्ट क्वाइट टू प्रूव दैट आई एम बिजी एंड प्री ऑक्यूपाइड. आई हैव केप्ट क्वाइट आई नेवर यू कैन से कंप्लेन एंड आई नेवर शो दैम दैट आई एम बिजी. नाउ सी डज नॉट कंप्लेन और अब मेरी मदर कोई कंप्लेन नहीं करती. Probably she understands my position. वो समझ गई मेरी प्रस्थिति. Usually my elder brother does not write to me. What did he say? कि अक्सर मेरा भाई मुझे नहीं लिखता. He does not need anything from me because he never ever wanted anything from me. He never want anything from me. वो कुछ लेना ही नहीं चाहता था मेरे से. He has never sought a token from me in a lie of his concern. वो एक टोकन भी नहीं लेना चाहता था इन लाइफ ऑफ अपनी अपनी चिंताओं के बदले में. फॉर मी एज एन एल्डर ब्रदर एक बड़ा भाई होने के नाते मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया. उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया. फिर भी मेरा भाई ऐसा है ही नेवर एवर वांटेड टू टेक समथिंग फ्रॉम मी. इन दोज डेज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट अब याद कर रहा अपने दिनों को. इन दोज डेज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट The only thing that he inquired about was my well-being. Only thing he wanted to know about me that I am okay or not okay. When I was a student and who inquired about him? His elder brother. During my stay at home, जब मैं घर पे रहता, he would catch fish for me from the pond behind our house. There was a pond behind their house and from where he used to catch fish for Babuli. Who used to catch fish? His brother, elder brother. And would ask his wife to prepare a good dish. For I love fish. और अपनी वाइफ को बोलता था यानी मेरी भाभी बाबूली की भाभी को बोलता था कि अच्छी पकाओ इनको गुड डिश. For I love fish. क्योंकि बाबूली को क्या पसंद है? फिश पसंद है. When the catch was scanty, जब मछलियाँ कम होती The dish would be prepared exclusively for me. अगर खाने की मात्रा कम होती मछलियाँ कम होती तो जो डिश होती थी वो केवल मेरे लिए ही पकती थी. That was the love of elder brother for his younger brother. And who was elder here? Babuli's elder brother. कहता है कि जब मैं घर पे था when I was stay at home, my brother used to catch fish from the pond that is behind our house. हमारे घर के जस्ट पीछे जो पोंड है वहाँ से मछलियाँ पकड़ते थे. And he used to give these fish to my wife, sister-in-law means his wife. And he used to say her that these should be specially cooked for Babuli. He would say to his wife, you must make the dish as delicious as possible using mustard paste for Babuli. Aur kehta tha apni wife se, kya? You must make the dish as delicious. बहुत ही शानदार डिलीशियस होनी चाहिए फिश पॉसिबली यूजिंग मस्टर्ड पीस सरसों का तेल लेकर बनाना इस पे. इवन नाउ ही इज द सेम मैन और अभी भी वो सेम है माय ब्रदर माय एल्डर ब्रदर इज नॉट चेंज्ड सेम मैन विद द सेम टोन ऑफ लव एंड कंपैशन. वही प्यार वही सानिध्य उस मेरे भाई में अभी भी है. नथिंग हैज चेंज्ड हिम उसको किसी ने नहीं बदला. इज Same. His seven children, father, mother, cattle fields, household responsibilities, he is the same, my elder brother. Na to uske bachon ne change kiya. Seven children he was having. Father, mother, cattle field, household, sab kuch karta tha wo. Father, mother ki seva karta tha, house ko sambhalta tha, field ko sambhalta tha, cattle ki dekhbhal kar sakta. But he has a lot of responsibilities, but He is the same my elder brother. लेकिन किसी चीज ने उसको चेंज नहीं किया. He was same as his elder brother. So that was the love of elder brother towards his younger brother. कि जब भी गांव आता था मछलियां पकती थी उसके लिए केवल उसके लिए कम होती थी वो ही खाता था. अपनी वाइफ को कहता था कि इतना अच्छा बनाओ. आज के टाइम पे ऐसा है कभी? आई थिंक हो ही नहीं सकता. बहुत इम्पॉसिबल है और कहाँ है तो बहुत अच्छी बात है.
एक भाई का भाई के प्रति इतना बड़ा त्याग। आई हैंडल्ड द लेटर केयरफुली, मैंने वो लेटर रखा जो पढ़ रहा था ना वो। ही हैड आस्क्ड मी टू कम होम, मेरे भाई ने मुझे पूछा कि घर आओ। सम फोर्ड हैड बीन क्रॉप्ड अप, कुछ विवाद हो गया है। क्या हो गया है? कुछ विवाद हो गया है। टू सिस्टर इन लॉज हैड क्वारल्ड, जो मेरी दो भाभियां हैं दे वर क्वारलिंग, वो दोनों लड़ पड़ी हैं। और पैडी फील्ड, हमारा जो फील्ड है, द कॉटेज एंड ऑल द मूवेबल और इमूवेबल वर टू बी डिवाइडेड, हमारा खेत, हमारी कॉटेज, मकान, जो भी चल अचल संपत्ति है मूवेबल और इमूवेबल, वर टू बी डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स अमंग अस, हमारे तीनों भाइयों में अलग अलग बटनी है, यानी मैं, मेरा ब्रदर और मेरा भाई हो। दिस थ्री शुड बी डिवाइडेड अमंग अस। माई प्रेजेंस वॉज इंडिस्पेंसेबल, और मेरी प्रेजेंस वहाँ पर बहुत जरूरी थी। माई प्रेजेंस वॉज, वी कैन से एसेंशियल देयर, माई प्रेजेंस वॉज एसेंशियल देयर, क्योंकि मेरी प्रेजेंस होना जरूरी थी वहाँ पर। दैट इज वाई माई ब्रदर वॉज आस्किंग मी कि घर में लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, मेरी जो भाभियाँ वो आपस में लड़ पड़ी, और इसीलिए मुझे वहाँ पर आना पड़ेगा। घर का, जमीन का, सबका बंटवारा होगा और तीन हिस्सों में सब कुछ बांटा जाएगा। इट वॉज माई सेकेंड ब्रदर, इट वॉज माई सेकेंड ब्रदर हु वॉज सो पर्टिकुलर एंड एडमिनट अबाउट दिस डिविजन, ही वॉन्टेड इट एनी कॉस्ट। मेरा जो सेकेंड भाई था, बड़े से छोटा, हु वॉज सो पर्टिकुलर एडमिनट, वो एकदम से दृढ़ था, वो एकदम से हटी हो गया था अबाउट द डिविजन, ही वॉन्टेड इट एट एनी कॉस्ट। वो चाहता था कि बंटवारा हो, किसी भी कीमत पर क्या हो, बंटवारा हो। आई फिनिश रीडिंग द लेटर एंड कोल्ड स्वेट ड्रेंचेड मी, मैंने लेटर ख़त्म किया, ठंडा पसीना आ गया मुझे, कोल्ड स्वेट ड्रेंचेड मी। आई फेल्ड हेल्पलेस ऑर्फन, मैंने अपने आप को अनाथ फील किया। ए सॉर्ट ऑफ डेस्पियर हंटेड मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, और ये दुख मुझे काफ़ी देर तक परेशान करता रहा। कौन सा दुख? बंटवारे का। क्वाइट रिलेंटलेसली आई ट्राई टू ड्राइव देम अवे एज इट इज, मैं इन चीज को, दुख को दूर करने की कोशिश किया। एंड यर्निंग हेल्पलेसली इन द चेयर, और कुर्सी पे हेल्पलेसली बैठ गया। इन द इवनिंग व्हेन आई टोल्ड माय वाइफ अबाउट द पार्टीशन दैट वाज टू टेक प्लेस, व्हेन आई केम इन माय होम एंड आई इन्फॉर्म्ड ऑल व्हाट हैड हैपेंड टुडे इन विद द लेटर, आई इन्फॉर्म माय वाइफ कि घर पे क्या हुआ। आई फाउंड हर टोटली अनप्रिपेयर्ड, कोई चिंता नहीं उसको, सी वॉज नॉट डिस्टर्ब बाई दिस, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। सी जस्ट आस्क्ड मी व्हेन, उसने क्या पूछा, कब। स्वार्थी, सेल्फिश लेडी। सी जस्ट आस्क्ड मी व्हेन एज इफ सी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड, जैसे कि वो पहले से तैयार थी। एज सी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस, जैसे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। व्हेन आई इन्फॉर्म माय वाइफ दैट व्हाट इज हैपनिंग एट आवर हाउस, सी वाज नॉट अमेज्ड, सी वाज नॉट सरप्राइज्ड, सी वाज नॉट शॉक्ड। सी आस्क्ड व्हेन, कब होगा, एज सी वाज वेटिंग फॉर दिस फॉर ए लॉन्ग टाइम। इन ए वीक्स टाइम आई सेड, मैंने कहा एक वीक में। हु सेड? बाबूली। एंड बाबूली वर्किंग इन द सिटी, वेयर बाबूली वॉज वर्किंग इन द सिटी। एंड ही इन्फॉर्म्ड अबाउट द सेम इंसिडेंट टू हिज वाइफ, सी वॉज नॉट अपसेट, दैट वॉज द नेचर ऑफ, वी कैन से ऑल द थ्री लेडीज, वी कैन से मे बी टू, दैट बिकॉज जो लड़ाई हुई हो किसके कारण हुई, ब्रदर सिस्टर इन लॉज आपस में लड़ी। एंड उसकी वाइफ को क्या सोचना चाहिए था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ी लिखी हो सकती है वो, बट वो भी इसी में इन्वॉल्व हो गई, वो भी चाहती थी कि ऐसा हो, बिकॉज दैट वॉज द नेचर विच सी ब्रॉट। एंड ऐसा लगा, बाबूली कह रहा है कि वो ऐसा लगा कि वो उस चीज़ का वेट ही कर रही हो कि ऐसा हो, एंड दैट शुड हैपन। इन बेड दैट नाइट माई वाइफ आस्क्ड मी ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, उस रात मेरी वाइफ मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सी वॉज आस्किंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू मी,
what would we all share and how much would it fetch us on selling it? कि हमारा शेयर कितना होगा, हमें कितना हिस्सा मिलेगा, वो कितनी स्वार्थी लड़ी है, वो भाई है, वो भाई के लिए तड़फ रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन उसको चिंता होनी चाहिए, उसको सोचना चाहिए, उसको जाके बैठ के बीच में बोलना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, दैट शुड नॉट हैपन, लेकिन वो कुछ कहे वो सोच रही है कि हमारा हिस्सा क्या होगा और हम उस हिस्से को बेचकर कितना कमा लेंगे, दैट वॉज द थिंकिंग ऑफ द लेडी. आई सेड नथिंग फॉर ए वाइल बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर at least guessed that it should be set around 20,000 rupees. At last, I did not say anything to her, but as she was demanding, as she was asking me again and again, that's why I said to her ki sab kuch milakar our share should be 20,000 rupees. Ki hamara jo share hai wo kitna hona chahiye, 20,000 rupees. So in this story, that was the great bonding between two brother. ये एक शानदार बॉन्डिंग है दो भाइयों की आपस में, बिटवीन टू ब्रदर्स, एंड दे आर रेडी टू हेल्प ईच अदर. एंड बाबुली ऑल्सो टोल्ड अस दैट हाउ हिज एल्डर ब्रदर हेल्प हिम गेटिंग एजुकेशन. ही वेन एवर ही यूज टू कम टू विलेज, हाउ ही वॉज वेलकम्ड बाई हिज ब्रदर. जैसे कि एक भाई ने एक बाप का, बाप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो निभाई उसने, बड़े भाई ने उसको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, आगे बहुत कुछ बताएगा कि कैसे कैसे उसने सेक्रीफाइस किए उस भाई के लिए. एंड ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड टू नो वॉट हैड हैपन इन द हाउस बिकॉज देर आर क्वारल बिटवीन टू सिस्टर इन लॉज. और जो छोटे वाला जो बीच वाला भाई है मजला, ही इज डिटरमाइंड कि किसी न तरीके से किसी न किसी प्रकार से घर का बंटवारा होना चाहिए. लेकिन बाबुली वॉज इन द सिटी, जब कहता कि बचपन याद करता हूँ तो जब मैं इस बस से जाता हूँ, एक टूटी फूटी बस थी उसे जाता था, फिर भी मुझे अच्छा लगता था. आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज आई वॉज गोइंग फार फ्रॉम द सिटी लाइफ, एंड द सिटी लाइफ जस्ट लाइक दैट विल मेक योर एंड ऑफ योर लाइफ, यू नो मोरीबन मीन्स कमिंग टू एन एंड. ऐसी मोरीबन सिटी लाइफ जो आपका अंत करती है. सो आज यहाँ तक ही होगा बेटा. एंड इफ यू आर हैविंग डाउट एनी प्रॉब्लम यू आर वेलकम. अगेन वी विल मीट, टिल देन बाय. चैप्टर बहुत अच्छा है. वट एवर आई हैव टोल्ड यू, यू शुड ऑल्सो लर्न दैट. ओके, एंड ओनली वन चैप्टर इज लेफ्ट. वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द सेम चैप्टर लेटर ऑन. आई होप यू आर एंजॉइंग दैट. क्वेश्चंस हैं वो बड़े नंबर वाले क्वेश्चंस, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ, तुम्हें वो करने हैं, गॉट इट, और तुम्हें वो कर मेरे को सबमिट कराने हैं सो दैट आई कैन चेक योर आंसर्स. ओके, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वी विल ऑल्सो स्टार्ट अवर ग्रामर पोर्शन. Is that clear? I hope you are getting that properly, and we are just near to complete our syllabus. Till then, bye.